दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और एक बार फिर से स्वागत है भाई सबका मेरे यूट्यूब चैनल अतुल दिया व्लॉग्स में। तो भाई हो गया है 8 बजे का समय और अभी अभी मैं बस अपनी वीडियो अपलोड करके आया हूँ, आप लोग देखते हैं जो 8 बजे आती है। तो भाई सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है सुबह उठते ही और स्पेशली जिम जाते हुए वो होती है भाई शूज़ में से सेलेक्ट करने की। हाँ कुछ लोग समझ सकते हैं कि हाँ भाई होती है क्योंकि बहुत सारे हैं, कौन सा पहने, ब्लैक भी पहने हैं तो भाई 10-15 हैं कौन सा पहने। तो चलो ये बातें तो चलती रहती हैं। आज भाई जा रहे हैं बस वंशु और मैं, क्योंकि आज हम दोनों ही जा रहे हैं और आज अंशु नहीं है, अंशु गया है वैष्णो देवी माता। तो भी मैंने सोचा है आज हम दोनों ही जा रहे हैं तो आज हम जाएंगे स्कूटी से, ठीक है। काफ़ी दिन हो गए स्कूटी, मतलब ज़्यादा सी मैं चलाता नहीं हूँ, गाड़ी, तो आज जाएंगे स्कूटी से। तो ठीक है भाई, चला भाई उनसे देख लो भाई, लो तगड़ा करता ठीक त्रिया, मैं तो टी शर्ट पहन रहा हूँ। One hour later, भाई वर्कआउट हो गया आज अपना कंप्लीट और अब निकलेंगे घर पे। घर भाई ये हमारे एक भाई साहब हैं जिम में आते हैं, इतने डेडिकेटेड है भाई, लिगामेंट में प्रॉब्लम होगी पर फिर भी जिम आए हैं, अपना सरक के गए हैं, पर भाई डेडिकेशन देखो बंदे की कि हाँ डॉक्टर ने बोला भाई लोअर बॉडी नहीं कर सकते तो ये लोअर बॉडी को रेस्ट देके अपर बॉडी करेंगे। और आप लोग भी भाई सीखो, हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। A few moments later, तो भाई जिम से घर आने के बाद मैं करता हूँ डॉग्स का, जो छोटे बच्चे हैं उनका खाना वगैरह और जो मतलब उनका कूलर वगैरह सब होता है कि मैं पीछे से जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उनका पानी खाना वाना सब कर दिया है मैंने। अब मैं नहा रहा हूँ, नहा के फिर मैं निकलता हूँ कोर्ट में। तो भाई अब पापा जा रहे हैं मेरे साथ में, पापा को ड्रॉप करना है रास्ते में। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, पापा जा रहे थे अभी जॉब पे, एक अंकल जी उनके साथ में, तो मैंने कहा माँ चलो मैं ही ड्रॉप कर दूंगा। गुड मॉर्निंग तो बोल दो पा। गुड मॉर्निंग है, बोलो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। हेलो गर्ल्स गुड मॉर्निंग। गर्ल्स बड़े हरामी हो। हेलो गर्ल्स, गर्ल्स क्यों कहो भाई, पापा कर रहे हैं पार्शलिटी, इन्हों का हेलो गर्ल्स गुड मॉर्निंग। गर्ल्स क्या होते हैं, गाइस क्या होते हैं? रन तो भाई ये थे हमारे पापा जी और आप सब ने देखा होगा कि भाई ये तो चुपचाप बैठ के आ गए भाई, हरियाणा में बाप बेटे का इतना इंटरेक्शन होता है। One eternity later. So guys, ये है शाम का टाइम, 8 बज गए हैं और अभी मेरे मन में एक बात आई कि आज मम्मी को मैंने फोन करके बोला है कि डिनर नहीं करने जा रहा है, डिनर पे कहीं बाहर लेके जाऊंगा। मैंने ये नहीं बताया कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, बट हाँ अभी मैं घर जाऊंगा और मम्मी को कहीं आउटिंग पे लेके जाऊंगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कि मम्मी शाम को मतलब मेरे बर्थडे पे जरूर गई थी बट वैसे कहीं नहीं गई है आसपास, तो आज वही मम्मी को बाहर लेके चलते हैं। और पापा अगर आए हुए होंगे तो पापा को भी लेके चलेंगे, नहीं तो भाई वंशु है, मैं हूँ और मम्मी है, वंशु इज जस्ट लाइक अ फैमिली मेम्बर, छोटे भाई के जैसा ही है, तो वो भी जाएगा। तो भाई अब जल्दी से जिम से निकल गए हैं, हालांकि वी आर रनिंग लेट क्योंकि मम्मी इस टाइम तक भाई डिनर भी कर लेती है, तो अगर मम्मी ने कुछ खा लिया होगा तो कुछ भाई ऐसी चीज़ें खिलाएंगे मम्मी को आज। बट आई रियली विश, मेन पॉइंट इज कि भाई आई रियली विश टू पैम्पर हर टुडे, ठीक है, क्योंकि उनको ना चोट लग गई थी उंगली पे। हमारा जैसे ड्राई फ्रूट का कुछ बॉक्सेस आते हैं ना मिक्स सीड्स वाले, उसमें टिन होता है, तो टिन में भाई क्या हुआ, वो साफ करने लगी उसको, ख़त्म हो गया था बॉक्स, तो बेचारी के भाई यहाँ पे लग गया और खून बहुत देर तक आता रहा, बहुत देर तक आता रहा वो। तो भाई लास्ट में हमने फिर याद आया कि अरे वंशु की मम्मी नर्स है, तो फिर भाई मम्मी वहाँ गई तो भाभी जी ने भाई उनको पट्टी वट्टी की, तो मेरे को बस थोड़ा सा ये हो रहा था कि यार मम्मी को ब्लड लूज हो गया काफ़ी और मतलब पेन में होंगी, तो
मैंने सोचा ठीक है मम्मी को आज थोड़ा सा पैम्पर करेंगे भाई, उनकी पसंद की चीज़ें खिला पिला के उनको, जो भी कहेंगी वो, जो भी कहेंगी, जहाँ का भी कहेंगी वहीं पे चलेंगे। और भाई हमारे पेरेंट्स हैं ना थोड़े से ऐसे हैं कि अरे ना बेटा के ज़रूरी है, ऐसे है वैसे है, बट नो आई विल फोर्स हर टुडे। तो भाई जल्दी से घर चलते। तो भाई घर पे तो आ गए, अंधेरा हो रहा है, तो भी देखते हैं मम्मी रेडी हुई है या नहीं हुई है। मम्मी रेडी नहीं हुए आप? रेड तो बैठी हूं मैं। भाई थारे भी करके नुआ लगे रहेंगे पूरे पूरे दिन रील पे। किसका रील है? इब देखो एक चीज दिखाऊंगा, पंखा नहीं चला रही पर वीडियो बना रही है। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। क्या खाओगे मेरे तेन बता दो जल्दी तक। आप तरबूज खा लिया? पहले पंखा चला दो यार, बहुत गर्मी। मम्मी बेराना की कर बैठ दो इतनी गर्मी में। तो मम्मी जी तरबूज खा लिया? उंगली दिखाओ आपकी, ठीक है? नहीं भाई, जो मैं बता रहा था ये है वो चोट कल लगी थी, ज्यादा खून बह गया भाई, सही में बहुत खून बह गया, क्योंकि ऐसा कट था मतलब कि रुक नहीं रहा था खून कई घंटे तक, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में आ रहा। तुमने क्या मैंने हेल्प करी? फर्स्ट एड दी भाई मैंने, फिर वंशु की मम्मी ने भाई आगे पट्टी की है। काम में हेल्प बता? काम में भी हेल्प की, कल सफाई मैंने की थी भाई सुबह घर की, क्योंकि कल संडे था। अब मेरे को ये बताओ आप कहाँ चलोगे, क्या खाओगे आज? आप जो कहोगे मुँह से वहां चलेंगे, जल्दी बता दो। आइसक्रीम वगैरह कुछ आइसक्रीम खा लेंगे। अच्छा चलो आप एक बार बस पापा से पूछ लो। पापा भाई पापा का ऐसा है कि पापा हो सकता है अभी जाएं, और अगर ड्यूटी लग गई हो उनकी तो नहीं भी आएंगे। देखो गाइस अतुल की हरकत देखो, मेरे को तो ये बोल रहा है अगर मम्मी बाहर चलो खाना खाने या कुछ भी खा लो, लेकिन इसकी हरकत देखो आप खुद खाने लग रहा है और मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। अरे मम्मी बाहर चलेंगे, मैं भी खा लूं हल्का मुर्गा, डाइट चीट होगा फिर मेरा। मुश्किल था आज मैंने डाइटिंग शुरू किया मंडे रात, मैंने सोचा एक मां खुद भी खा का होगा साथ में। मैं हां खाऊंगा भाई, हम तीनों चल पड़े अब। चलो मम्मी चल, जो पहले आपको तगा वो एक ज्यादा खाओगा। अच्छा मैं फर्स्ट बाइट गजब बेइज्जती है ये। जल्दी आ जाओ मम्मी। तो भाई ये है आज मम्मी की, मेरी और वंशु की भी लेट नाइट डेट, ठीक है मम्मी? तो जिद कर रहा था। जिद कर रहा हूँ, आइसक्रीम खानी है, फलूदा भी खाना है भाई। ये कभी कभी चलती हैं ये चीजें, और पैम्परिंग तो भाई हर किसी को चाहिए, मम्मी को भी चाहिए, है ना मम्मी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो भाई। छोटे थे ना जब तो हमारे हाथ में कुछ था नहीं, अब थोड़े बहुत बड़े हुए हैं, भगवान ने भाई थोड़े बहुत इस लायक करे हैं कि घर वालों को छोटी मोटी खुशियां तो हम दे ही सकते हैं, बड़ी भी देते हैं और देनी भी चाहिए। तब मैं लेके आती थी, तब जब मम्मी लेके आती थी भाई, अब मम्मी का घुमाने के लिए लेके आती थी इसी पार्क में यहाँ। हाँ सुभाष चौक पे भाई, मेरे को है मेरी मेमोरीज में ना वो बात की जब हम छोटे होते थे तो संडेज या फिर मतलब ऐसे ना वीकेंड्स पे आते थे हम, तो भाई मम्मी पापा अंकित मैं सारे आते थे, कभी डोसा खाते थे कभी चाउमीन खाते थे, इसी पर खिलाती थी ये तो। और जहाँ हम जा रहे हैं भाई वहीं खाते थे हम फलूदा कभी से ही, और वो भाई तब से ही उनका ना बहुत टेस्ट मेंटेन्ड है, तो इसीलिए हम वहीं जा रहे हैं। कैसे भैया? भाई ये है हमारे भैया की दुकान ऑल चॉइस, और भाई काफी सालों से हैं भैया यहाँ पे, और मैं तो भाई साहब के पास आते ही रहता हूँ, और भाई हमारा तो बहुत रिकॉर्ड रखते हैं भाई साहब, MRP से कम में चीज देते हैं मेरे को। तो भैया आप है ना दो फलूदे लगवा दो। बैठो भाई, ये भाई बहुत बढ़िया यहाँ पे सिटिंग एरिया है। अब भाई आपको फलूदा भी दिखाते हैं किस तरीके का क्या है, बहुत टेस्टी फलूदा है, मैं नहीं खा रहा हूँ वंशु और मम्मी जी खाएंगे। भाई कूलर भी लगा हुआ है, फैन भी लगे हुए हैं, ये वाला फैन हमने जानबूझ के बन गया है। भाई एक चीज आप लोगों ने नोटिस नहीं की होगी वो है
मम्मी जी आज हेयर कट करा के आई है, मम्मी दिखाओ अपनी कटिंग। ये तो लेटेस्ट न्यूज है भाई, मेरे को तो अच्छी लगी। आप लोग भी बताना मम्मी की कटिंग कैसी है। और भाई जुल्फे उड़ रही हैं बिकॉज ऑफ हैवी कूलर। क्या सीन है, टाइम हो गया है 9:34। रोटी राटी खा ली मैंने, भी डाइट ले ली, इसलिए हम भाई लाइट चीज खाने आए हैं। और मम्मी का भाई यहाँ का फेवरेट है फुल्का। मम्मी को आरके का भी अच्छा लगता है, पर जब मम्मी का मीठे का मन होता है तो मम्मी यहाँ से खाती है। और जब मम्मी के होता है थोड़ा कम मीठे का मन है तो आरके का खाते हैं हम, क्योंकि उसमें सरबड़ी होती है। तो कैसा लग रहा है मम्मी, कई बात आया इस सीजन में भाई पहली बार फुल्का खा रहे हैं यहाँ पे। आज पाँच की तारीख है 17 अप्रैल। लो भाई देखो, ये भाई फलूदा, ठीक है। हरकती मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने गन्ने का बोला था ना अल्टीमेट टेस्ट है, इसका भी भाई अल्टीमेट टेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट इन फलूदा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। और दो है यहाँ पे मिट्टा और ऑन चॉइस, मैं प्रेफर करता हूँ भाई ऑन चॉइस पे, ठीक। ऐसा नहीं कि उसका बुरा है या क्या है, बट हाँ ये बहुत अच्छा है। मम्मी तो होगी शुरू, वंशु आ जा तू भी खा ले। हाँ मम्मी मजा आ रहा है, कैसी लगी वंशु? अरे बेटे कल जिम करवाऊंगा तने खा ले तो ऐसे तो नहीं होता है। ओहो मौज होगी। A few moments later. भाई नदा खाली। तो भाई अब चलते हैं अपने घर पे। और कुछ खाना मम्मी? तो भाई ये थी मम्मी के साथ छोटी सी डेट, लेट नाइट डेट, क्योंकि पौने 10 बज गए हैं। मम्मी घर मजा आया नहीं आया पहले ये बता दो। मजा आ गया भी आ गया मजा। टेस्टी था। चलो भैया पेमेंट कर देते हैं भैया की। तो भैया अपनी कौन सी लोकेशन है ये? गीता भवन चौक, जीवीएम स्कूल के लिए। भाई ये है गीता भवन चौक जो सोनीपत का मेन चौक है, और जीवीएम स्कूल के बिल्कुल साइड में दुकान है। दो दुकान है, एक है मिड टाउन और एक है ऑल चॉइस। ये है ऑल चॉइस भैया वाली। और क्या टाइमिंग रहती है भैया? 11 to 11 भाई, 11 से 11 सिंपल फंडा है। तो भाई जिसको भी टेस्टी बढ़िया मीठे वाला फलूदा खाना है, और आज से नहीं भैया की, भैया जी मेरे हम छोटे थे भैया तब से उधर थी। हाँ उससे पहले यहीं से स्टार्ट हुई है। हाँ 1985 से यहीं लगा। 1985 से भाई भैया हैं। और नेक्स्ट वीडियो में भैया एक है ना और आइसक्रीम बनाते हैं, हैंडमेड आइसक्रीम है, मतलब खुद से बनाते हैं अपनी होममेड आइसक्रीम, वो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई कराएंगे आपको। वो भी भाई अल्टीमेट है, उस दिन तो मैं भी खाऊंगा। ठीक है भैया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो भाई फलूदा खा लिया, अब वापस जा रहे हैं घर पे। और मम्मी कई मतलब बर्थडे पे तो चलो हम निकले थे, बर्थडे तो एक अलग ओकेजन वाली बात थी, पर वैसे भाई काफ़ी काफ़ी है ना दिन हो जाते हैं कि एक साथ मतलब ऐसे निकले हुए, और रात का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। बट हाँ वी रियली मिस कि पापा साथ होते। पापा को भी भाई आइसक्रीम फलूदा वगैरह बहुत पसंद है, क्योंकि भाई वही है जाट है अपना, मिठाई और मीठा बहुत टेस्ट में हमें लगता है। हाँ बट पापा की ड्यूटी थी भाई, पापा नहीं आ पाए। फिर हमने सोचा क्यों मम्मी का भी मन मारे, और मम्मी को मैंने कह दिया था डिनर मत करना, मम्मी ने बस फ्रूट्स खाए थे। अब मम्मी का थोड़ा फिल भी हो गया होगा, दो दिन से मेरा मन भी कर रहा था। अच्छा। तू नहीं बोलते मेरे को, फिर तो आज बोला, एक बार तो मैंने मना भी कर दिया, चल दिखावटी तौर पर मना करती हूँ भाई। मम्मी का मन हो रहा था, पर है ना वो होते ना हमारे इंडियन पेरेंट्स कि भाई जी करे जाएगा अपने जी ना मार लेंगे, पर नु सोचेंगे ना यार क्यों दो रुपए खर्च करें। बोला अगर नहीं चलना है चलना है तो मां चल। भाई जो भी मेरी उम्र के मेरे से थोड़े बहुत बड़े या थोड़े बहुत छोटे बच्चे, बच्चे तो नहीं जो भी देख रहे हैं भाई, जरूरी नहीं आप कुछ बहुत एक्सपेंसिव कुछ करो घर वालों के लिए, बट हाँ अगर आप थोड़ा से भी मेरी वीडियोस देखते हैं हल्के से भी इंस्पायर्ड हो ना, तो कुछ एफर्ट जरूर करो यार अपने पेरेंट्स के लिए। और मेरे को प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि भाई हमने आज अपने पेरेंट्स के लिए ये किया, मेरे को बहुत खुशी होगी तहे दिल से, ठीक है। तो और लगभग भाई हमारे आज 800 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए हैं, वो भी एक अपडेट है, और जल्दी ही 1000 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे, और फिर 10,000 भी होंगे। बस भाई ऐसे ही बने रहो वीडियोस पे और चैनल पे। तो आज का व्लॉग भाई यहीं खत्म करते हैं, तो जो नए हैं वीडियो पे
सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। इतना प्यार देने के लिए सभी को धन्यवाद।